press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे दो पाकिस्तानी लड़कियों को। एक तरफ आप देखेंगे रिबाह इमरान, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी, और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ना ये जो कल्चर सिमिलर है, जैसे शादी ब्याह का कल्चर हो गया, हम पहले समझ मतलब मेहंदी वगैरह नहीं किया करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे कल्चर में संगीत हो गया, हम जो है वो कवाली नाइट भी करते हैं पाकिस्तान में, कोई भी शादी ब्याह का मौका आ जाए हम हल्दी भी लगाते हैं, हम इस तरह के हर कल्चर यानी कि बिल्कुल सेम शादियां करते हैं जो इंडिया में की जाती है। क्या डिफरेंस फील करती हैं 75 सालों में, आखिर क्या क्यों इतनी सिमिलैरिटीज जो है वो मानी जा रही हैं, क्यों आखिर इस तरह है, अगर सब कुछ सेम है तो फिर तो जंग ही किसी चीज़ की नहीं है। बात ये है कि मुझे ये लगता है कि बिल्कुल बेकार में ये इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। अफकोर्स मैं ज्यादा इन पॉलिटिक्स और इन चीजों में बात करना नहीं चाहती हूँ, मगर मुझे मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के लोग करते हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं इंडिया से अभी भी, एंड मैं ये मानती हूँ बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के लोग करते हैं उसको बिद्दत मानी जाती है। मज़ारों में जैसे जाना और इस टाइप की चीजें, मुझे इस्लाम अगर आप पढ़ें शायद सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है मुसलमान अरबी मुल्क, वो इस टाइप की चीजें नहीं होती उनके मुल्कों में, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के लोग करते हैं, मेहंदी मायो इस टाइप की रस्में, जिससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो कल्चर को पाकिस्तानियों ने मजहब के साथ मिक्स करा हुआ है और अपना कुछ बना लिया है, और फिर कोई कुछ आवाज उठाता है कुछ बोलता है तो उसको रोका जाता है, तो बुरी बात है ना। फिर क्या समझती हैं कि आपके जो ग्रैंडफादर्स थे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई अच्छा एक दोनों कल्चर के यानी कि दोनों के रिलेशनशिप के हवाले से एक अच्छा सा वाक्य हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आपको बताते थे। मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वो तब आए थे पाकिस्तान जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे, तो उनको यानी बहुत ही छोटी उम्र में आए थे, वो चिल्ड्रन थे, क्योंकि वैसे जब हालात ख़राब हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो उनको जाना पड़ा था। मेरी नानी बताती थी कि ऑफकोर्स हालात ख़राब होने से पहले उनकी दोस्तें थी सारी, और खेलती थी और झूला झूलती थी अपने दोस्तों के साथ, उनकी हिंदू दोस्ती थी, खूब सब में प्यार था नेबर्स में उस वक्त। फिर ऑब्वियसली जब पार्टीशन शुरू हुआ सब चेंज हो गया, तो ऑफकोर्स वो याद करते थे, अब वो कभी गए नहीं वापस, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, मगर मेरा जाने का शौक है, तो देखें। सही हो गया। अच्छा लुबना, क्या कहेंगी आप इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से ओवरऑल एक व्यू? आई थिंक इंडियन जो गवर्नमेंट है, मैं डिटेल मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ और गवर्नमेंट को, मगर मैं इतना ये तो मैं समझती हूँ कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने अलग मजहब और इतने सारे लोग हैं कि उसको मैनेज करना और संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आई थिंक मोदी जी जो हैं उन्होंने अभी तक संभाल के ही रखा हुआ है इतने सारे लोगों को, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो ऑफकोर्स अच्छा काम कर रहे हैं एंड उनका मुल्क आगे जा रहा है और बढ़ रहा है। काश हम पाकिस्तान के बारे में भी ये बोल सकते, हो सकता है बोल सकें एक दिन, देखते हैं आगे क्या होता है। सही हो गया। अच्छा आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई इंडिया पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकेगी? आई थिंक कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जरूरी है कि दोस्ती हो। मुझे पता काफी कुछ हुआ है और मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, एक एक चीज जो हुई है मुझे पता नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स गंदी होती है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक कि अगर भले चलो पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा हो, मगर जो इंडिया के लोग हैं पाकिस्तान के जो लोग जो इंडिया के अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं वो तो एक दूसरे के साथ दोस्ती रख सकते हैं ना, किसी ने रोका थोड़ी है, एक ही मुल्क तो होता था। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं, ना कि मैं लोगों में तनाव और वो लाऊं, डिफरेंसेस में लाऊं, तो मेरी यही कोशिश है। तो मेरे चैनल पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि आप जो इंडिया के बारे में इतनी बात करती हैं, हमारे अंदर नुक्स निकालती हैं, आप इंडिया के बारे में
नहीं करती हैं, और वजह ये है कि उससे मुझे कुछ मुझे फायदा नहीं नजर आ रहा कि जब दोनों पार्टियों में ऑलरेडी टेंशन है, मैं इंडिया में उंगली निकाल के और मैं टेंशन क्यों बढ़ाऊं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं दोस्ती कराऊं लोगों में, ना कि मैं और टेंशन का की वजह बनूं। तो इस वजह से मैं कमेंट नहीं करती हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा हम यूके के हवाले से भी लुबना आपसे पूछ लेते हैं। क्या कहेंगी कि जो यूके है, सुनने में ये आ रहा है कि आजकल हालात जो है इकोनॉमी वाइज वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में आए हैं उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वो ऐसे कि जॉब्स नहीं हैं, इस तरह की बहुत सारी चर्चा जो है वो हम सुनने को आए दिन न्यूज़ में देखते आ रहे हैं। क्या कहेंगी, क्या समझती हैं, इस पर ओवरव्यू दीजिएगा। मुझे तो कभी कमी महसूस नहीं हुई यहाँ पर जॉब की। मैं तो हैरान हूँ आप ये बोल रहे हैं, इतने सारे लोग इंडिया से आए हैं, ऊबर ड्राइवर बने हुए हैं। मैं मेरी मेरी मैं किसी को जानती नहीं हूँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आई थिंक बात ये है क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े से पीछे भी हैं अंग्रेजी बोलने में और चीज़ें समझने में, कि किसी मुल्क में वो आए उनको हमेशा मसला ही होगा चीज़ें जल्दी जल्दी सीखने में। तो हो सकता है कि वो सीख और समझ नहीं पा रहे हों ये मुल्क यूके जिसमें वो खुद आए हैं। क्योंकि मुझे मैं तो किसी को नहीं जानती, सबके पास जॉब्स हैं, ऐसे कोई हालात खराब नहीं है। ऑफ कोर्स अब इतनी चेंजिंग खुद आई है, कोविड हुआ था, पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो दुनिया में चेंजेस हैं आई हैं, और जो दुनिया में हो रहा है मिडिल ईस्ट में और ये वो रशिया इधर उधर जो चीजें हो रही हैं, ऑफ कोर्स तो उसके वजह से पूरी दुनिया को असर हुआ है। मगर हमारे अल्लाह का शुक्र ऐसे कोई हालात खराब थोड़ी है, हम लोग सब सुकून से रह रहे हैं यहाँ पर। ऋषि सोनक की गवर्नमेंट जाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? अभी नई गवर्नमेंट को आने में कुछ हफ्ते हो चुके हैं और अब वो अभी बताएंगी, देखा जाएगा कि वो कैसे रहती है गवर्नमेंट। आई थिंक हालात मसले जो जो अंग्रेज हैं यूके में उनको ये मसला हो रहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अंग्रेजों का कल्चर वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं और गंद मचा रहे हैं। और कुछ जो काफी एक्टिविटीज हैं खून खराबा इस टाइप की जो चीजें हैं वो लोग कर रहे हैं यूके में जो अंग्रेज नहीं है। तो अंग्रेज माइंड कर रहे हैं कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से और हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रहे हैं, तो इन लोगों को नहीं आने दो। गवर्नमेंट आने दे रही है और जो सिटीजन है यूके के वो नहीं चाहते कि और लोग आए अब इस मुल्क में। और एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान भी है जहाँ से लोग बार बार आ रहे हैं, या तो शादी करके आ रहे हैं, या तो स्टूडेंट वीजे पे आ रहे हैं, या तो असाइलम ले रहे हैं। मगर चलो, अब अगर आप ही कहते आप अपनी हरकतें सुधार के रखें, हरकतें सुधार के रखेंगे किसी को आपको आपसे मसला नहीं होगा। मगर पाकिस्तान के कुछ लोग, पाकिस्तान के सब नहीं, अच्छे भी हैं पाकिस्तान के लोग, मगर कुछ लोग पाकिस्तान के मसला कर रहे हैं, उनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर अंग्रेज उबल रहे हैं। और इसी वजह से मैं बोलती हूँ अपने चैनल पे ताकि लोग समझें बातें, इससे पहले कि पानी गोरों के सर से अंग्रेजों के सर से ऊपर हो, पर फिर हाथापाई पे आए। उन्होंने यही मुझे बोला, हाथापाई होगी इसकी बात कुछ सालों में। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोग थोड़े से सुधर जाएं, हमारे लोग जो सही हरकतें नहीं रख रहे, वरना सही नहीं नजर आ रहे हालात। अच्छा ना, आप खुद को इंडियन क्यों कहती हैं ये बताइए। नहीं, मैं इंडियन नहीं बोलती हूँ, मैं अपने आप को ब्रिटिश बोलती हूँ। मगर जैसे कभी कभार अगर कोई पूछता है कि मेरी हेरिटेज क्या है, तो मैं हेरिटेज अपनी इंडियन बताती हूँ, और इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि आपकी भी हेरिटेज एक्चुअली इंडियन ही है, भले आप पाकिस्तान में रहती हो, क्योंकि आप इंडिया से जुड़ी हुई हैं, आपकी पूरी जो पहली की जो नस्लें सब इंडिया इंडियन हेरिटेज है। हम लोग कोई अरब तो है नहीं, जो मुसलमान है पाकिस्तान में और इंडिया में वो अरब नहीं है। इसका मतलब कि उनको मुसलमान बनाया गया था, जब मुसलमान आए थे अरब से और इंडिया के ऊपर उन्होंने टेक ओवर करा था, उन्होंने बनाया था लोगों को मुसलमान। तो हम सबकी हेरिटेज इंडियन ही है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी बोलने में। लुबना, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी वाइज जो वर्ल्ड आज कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी जो है वो बुहरान का सामना कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ये ठीक हो पाएगा? आई थिंक इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं दुनिया में और हम लोग आगे हमेशा बढ़े हैं, तो आई थिंक ये ऐसी तो चीजें और होती रहेंगी और हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को जो होते रहती हैं चीजें आगे पीछे, तो दुनिया में उनको सामना उनका करना पड़ता है। और अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है वैसे भी, तो आई थिंक, और AI भी आ रहा है। इस तो सॉरी, मेरे कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है मुझे। एनीवेज, तो आई थिंक इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान के हालात थोड़े से अलग हैं क्योंकि वो अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। यूके में हमें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों का, कोविड हुआ या ये जो भी,
दुनिया चल रही है, हम लोग न्यूज में चीजें देखते हैं, मगर हमें कोई असल में फर्क नहीं पड़ा, कोई खास फर्क। अच्छा, आपको कभी मौका मिले इंडिया पाकिस्तान की जो एक्सप्लोर करने का, तो क्या चीज़ आप एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी? मेरा बिल्कुल भी पाकिस्तान आने का शौक नहीं है। लास्ट टाइम मैं आई थी पाकिस्तान, मैं 7 साल पहले आई थी। एंड हाँ, इंडिया जाने का मुझे शौक है। जो पुरानी पुरानी जगह है इंडिया की, मुझे हिस्ट्री में मेरा काफी इंटरेस्ट है, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने मंदिर और पुरानी चीजें, वो मुझे देखने का शौक है। एंड मेरा एक दोस्त रहता है इंडिया में, तो हो सकता है वो काफी बिजी होता है, तो अगर मैं कभी इंडिया जाऊँ तो मैं उसको विजिट जरूर करूंगी और मैं उसके साथ इंडिया घूमना चाहती हूँ। जबरदस्त। तो कौन से स्टेट में जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां वाइल्ड से नाना वाइल्ड नानी दादा दादी आपके नाना नानी? नाना नानी दादा दादी वहीं के हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अभी आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई इंडिया में रहते हैं? आई थिंक दूर के रिश्तेदार हैं एंड मगर मेरी मैं मेरे इतना कांटेक्ट मेरे ना पाकिस्तानी रिश्तेदारों के साथ है, तो इंडिया वालों के साथ तो मैं इंडिया कभी गई भी नहीं हूँ। मगर मुझे पता है कि कुछ हैं रिश्तेदार, मगर आई थिंक मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि रिलीजन फर्स्ट और कल्चर फर्स्ट, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? आई थिंक के मसला यही है कि लोग इन दोनों के बीच में कंपटीशन करते हैं, मजहब और मुल्क के बीच में, मगर असल में ये सब एक ही चीज होता है, क्योंकि इंसान से जुड़ा हुआ होता है कि आपकी सोच, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अपने मुल्क से प्यार करेंगे, और इसमें मजहब को कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये अलग अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज होती है कि आपके दिल में क्या है, आपने आपको जिसने गॉड ने बनाया, आप उसके यानी वो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुल्क तो वो है ना जहाँ आप रहते हैं, आप जहाँ से खा रहे हैं उसको थोड़ी आप क्या बोलते हैं, यू शुडंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। तो जहाँ पर आप खा रहे हैं आपको लॉयल्टी दिखानी चाहिए उस मुल्क के साथ, आई थिंक। तो लोग उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इन दोनों में कॉम्पिटिशन करने के लिए, जैसे ये लोग, मगर ये अलग अलग चीजें को मिक्स नहीं करें, मिक्स करेंगे तो आपको मसला होगा। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगी लुबना? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के हाथ में है अपना मुल्क ठीक करना, एंड जरूरी है कि दूसरे लोगों से सीखें और घबराएं नहीं, अच्छे मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जब कुछ पाकिस्तान के लोग बुरा काम करते हैं दुनिया में, तो न्यूज में आते हैं, उससे फिर सब बदनाम हो जाते हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस बात को कि अच्छे काम करते रहें, मगर जो बुरे लोग हैं उनको भी समझाएं कि बुरे काम वो नहीं करें, अपने आप को क्रिटिसाइज करें और घबराएं नहीं अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो इंसान एक्चुअली आपका दोस्त है, वो आपको समझाना चाह रहा है ताकि आप लोग सुधरें, इसमें आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी की बातें आपको काफी ज्यादा पसंद आई होंगी, जहां पे उन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि भारतीयों की तारीफ की। आपने देखा वो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं, पर उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।